खाना देने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ घर में कुछ त्योहार पता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं ज्यादा लोग आए हम लोग फिर से योगा करवाती है दीदी आपको योगा होता है ना प्रार्थना भी होती है। हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और मैं हूं आपकी सुधा। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाली हूं महिला संगठन की उन महिलाओं से जो कि सोशल वर्क करती हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों के लिए हम काम करते हैं और मैंने अभी अभी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो आइए मैं सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। एक्चुअली अभी मुझे सबके नाम अच्छे से पता नहीं है, तो हमारी सुनीता मैम हैं वो आपको इंट्रोडक्शन देंगी। सुनीता जी बताइए हमारे व्यूअर्स को। नमस्ते सबको, नमस्ते नमस्कार मेरा सभी बहनों को और सभी दर्शकों को। मैं सुनीता बिष्ट शाही भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री, हमारे मंडल की अध्यक्ष हमारी बड़ी दीदी श्रीमती अंजू केडियाल जी और हमारे मंडल की उपा सचिव शोभा दीदी हैं, हमारे मंडल की दूसरी महामंत्री हमारी बहन रूबी सिंह हैं। नमस्ते सबको। और ये क्या मान लिया आपने? आज हम मैंने सोचा थोड़ा सा फील लेते हैं गांव का, क्योंकि ये जो दृश्य है थोड़ा सा पेड़ पौधे और गांव की याद आ रही है। और यहां पर हमारे साथ है हमारी दीदी प्रीति लता दीदी हैं, जो जिन्होंने अभी अभी भाजपा महिला मोर्चा ज्वाइन किया है। ये हमारी दीदी हैं माला दीदी, जो हमारी बहुत ही मतलब दाहिना हाथ है हमारा, और ये क्या कहते हैं कि हमारी कार्यकारिणी सदस्य। हमारी दूसरी दीदी हैं लिपि दीदी, जिनका हमें बराबर सहयोग मिलता है हमारे कोई भी कार्यक्रम होता है भाजपा का, तो ये हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती रहती हैं। और आप हमारे फ्रेंड्स को ये भी बताइए कि आज हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। आज हम लोग यहाँ पर मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर, ये ओल्ड एज होम है, एक वृद्धाश्रम है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर जाके जो हमारे गरीब और बेसहारा है लोग हैं उनके साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उनके लिए बस थोड़ा सा कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे, तो इससे हमें भी खुशी मिलेगी और हम उनको भी सेवा करने का हमें मौका मिलेगा, हम वो करेंगे और हम उनको भी खुशी देंगे और हमारा ये YouTube चैनल देख के आपको भी खुशी होगी। तो फ्रेंड देखा आप लोगों ने कि हम लोग एक सोशल वर्क टीम है हमारी, तो कहीं भी किसी को भी अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम लोग करते हैं, जितना हम लोगों से हो पाता है उतना हम करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपने इस जो हमारा ये मिशन है इसको हम आगे। गाइस अभी यहाँ पे जो मिलने का टाइम है वो 4 बजे से है, तो हम लोग यहाँ पे 3 बजे आ चुके हैं, इसलिए हमें 1 घंटा यहाँ पे वेट करना है। और आप देख सकते हैं कि आश्रम के चारों तरफ कितना हरियाली है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इधर से आपको दिखाती हूँ, देखिए ये कितना यहाँ पे हरा भरा है। फ्रेंड्स हम में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बूढ़े माता पिता को ऐसे वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम में हम जाएंगे लेकिन हम अंदर वहाँ का कुछ भी फ़ोटो वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है अंदर का। तो फ्रेंड्स देखिए आप कितना अच्छा है, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं कितनी हरियाली है और बारिश भी हो रही है यहाँ पे। यहाँ आके तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये गुड़गांव सेक्टर 4 में है वृद्धाश्रम जहाँ पर हम लोग आए हुए। फ्रेंड ये आश्रम गुड़गांव में सेक्टर 4 में है, ताऊ देवीलाल ओल्ड एज होम्स के नाम से। यह एक गवर्नमेंट वृद्धा आश्रम है। ये जो नन है इनकी भी एज 40 साल है और वह 19 साल की थी तब से सेवा कार्य कर रही हैं, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। इन्होंने हमें बताया कि इस वृद्धाश्रम में 19 वृद्ध महिलाएं हैं, जिनमें से कुछ दिमागी तौर पर बीमार हैं। यहाँ पर 4 नन हैं जो कि इन लोगों की सेवा करती हैं। यहाँ पर जाकर हमने देखा कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, और इसका श्रेय, इसका धन्यवाद मैं देना चाहूँगी हमारी भाजपा सरकार को, मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक बधाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, थैंक यू, ताकि हम और भी लोगों की मदद कर सकें और आप लोगों के
जो ऐसा आशीर्वाद से सहयोग से प्यार मिलते रहे, ऐसे ही प्यार मिलता रहे और हम लोग भी लोगों की हेल्प करते रहें।